जबलपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगने के हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात शहर के गोहलपुर इलाके के एक शोरूम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों ने इतना विकराल रूप धारण किया कि शोरूम के अंदर रखा माल धू धू कर जलने लगा। इस बीच खबर मिलने पर दमकल अमला मौके पर पहुंचा और करीब एक घंटे की मशक्कत और 3 वाहनों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। शोरूम में आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जाँच की जा रही है। इधर शोरूम संचालक ने करीब 35 लाख के नुकसान का दावा किया है। अब ये आग कैसे आपके भैया? हम लोग सो रहे थे लगभग 3:30 बजे रात में, अचानक आग की बहुत तेज जो गर्म बनाए, हम लोग उठे तो नीचे आए गए तो देखे आग दुकान आग कर तो मेरी दुकान बंद थी। यहाँ से पुलिस वाले निकले थे तो फायर ब्रिगेड वाले को फोन करते हैं, फिर आधे घंटे के बाद वो लोग आते हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले, तो हम लोग दुकान खुल रहे थे, दुकान खुल नहीं रही थी, बहुत गर्म थी, तो उन्होंने सब्बल से शटर को तोड़ के खोला तो देखे अंदर पूरे तरीके से पूरा माल जो था शोरूम का नष्ट हो चुका था। और फिर वो लोग ने फायर ब्रिगेड वाले ने अपनी कार्रवाई चालू की, कार्रवाई लगभग एक घंटा चली है और 3 फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी। कितने की क्षति होगी? क्षति हो गई सर लगभग मान 35 लाख रुपए के लगभग हो चुके सर। अच्छा अच्छा, और वाली जाँच इसके ऊपर कर रहे हैं। आपका दुकान का क्या नाम है? अर रजाक गारमेंट गोहल। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।